हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ना आईएएस टेलर को लेके बड़ी खबर, जो कि शिक्षा मंत्री ने इस पर बड़ा बयान जारी किया था यह डीएलएड लाने से पहले। उसके बाद मान्यता को लेके भी उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मानक यह पूर्ण है जो सभी राज्यों में वैलिड होगा। आप इसको हम लाइव सुनवाएंगे, उन्होंने जो इस पर बयान दिया था। लेकिन आज एनआईएस डीएलएड कहीं ना कहीं पीआरटी से बाहर है, लेकिन आने वाले समय में इसको पीआरटी में शामिल होना जाए। 2009 में जो कानून बना और वहां 6 साल दिए गए थे कि अब प्रशिक्षित शिक्षक है उनको प्रशिक्षण करना है 2015 तक, ये कानून में लिखा था। लेकिन 6 साल में 4 लाख टीचर का भी प्रशिक्षण नहीं हुआ, क्योंकि उसका एनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं तैयार था, या जितने बीए कॉलेजेस है उसमें उतनी संख्या में और वहां जाना और कैसे करना इसकी स्पष्टता नहीं थी। हमने जब ये स्थिति देखी कि लगभग 15 लाख टीचर्स आज भी अप्रशिक्षित हैं, तब हमने ये संशोधन किया राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और उस एक्ट के समय, जैसे मैं कह रहा था, सदन में हमने ये कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक ये छात्रों का अधिकार है, क्योंकि अगर अप्रशिक्षित शिक्षकों से सीखेंगे तो जैसे सीखना चाहिए वैसा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो डीएलएड कोर्स होना ही चाहिए और वो नहीं था, तो इसलिए केवल 2 साल बढ़ाने का हमने फैसला किया। 2019 में खत्म होगा। फर्क इतना ही हुआ कि पहले लोगों को लगता था कि एक्सटेंशन होगा, लेकिन मोदी सरकार है तो लोगों को समझा कि अब नहीं एक्सटेंशन होगा, 19 कहा है तो 19 ही होगा। और इसलिए सब लोगों को फिर हमने सभी राज्यों से अपील किया, सभी अधिकारियों से बातचीत की, सभी मंत्रियों से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया 2 बार, फिर बहुत सारे मीटिंगों का दौर चला हमारे अधिकारियों के बीच में, और ये सब मिलकर एक बड़ा चुस्त कारगर योजना बनी। और सभी शिक्षकों तक ये मैसेज गया कि अब आखिरी मौका है। और ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है, टीवी पर पढ़ो। और इसलिए हमारी फीस एक्चुअली 6,000 रुपये है, एग्जाम फी ले रहे, बाकी तो कोर्स फ्री में दे रहे, 6,000 रुपये एग्जाम फी है, उसमें भी 1,500 रुपये हमने सहूलत दी टीचर्स को, कि जिनके पास दूरदर्शन का डिश नहीं है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसी पर स्वयं प्रभा दिखता है। तो इसके लिए 1,500 रुपये की छूट दी, पहले साल 4,500 रुपये और दूसरे साल 6,000 रुपये ये परीक्षा शुल्क है। तो मुझे अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि पहले 11 लाख 11.5 लाख का एक अंदाजा था कि इतने ही अप्रशिक्षित शिक्षक है। पहले 8-10-15 दिन हुए हमारे, 2 लाख टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो लेकिन भारतीय स्वभाव है, आखिरी में दौड़ लगाते हैं, परीक्षा नजदीक आते ही अध्ययन करते हैं, मुदत समाप्त, जीएसटी में भी देख रहे हैं कि आखिरी दिन को रिटर्न भरते हैं, फिर गड़बड़ होता है, तो रोज रिटर्न भरना चाहिए। तो ऐसा ही हमने फिर एक और प्रयास किया बीच में कि अभी भरो, नहीं तो लास्ट दिन सिस्टम में गड़बड़ होती है, तो वो मत करो। और उसका परिणाम आया, आज 12,80,000 टीचर्स के पैसे हमारे पास जमा हो गए और 15 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया। यह अद्भुत सफलता है, विश्व का केवल टीचर एजुकेशन में नहीं, किसी भी एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन एक कोर्स के लिए आज तक कभी नहीं हुआ है। सो इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ स्वयं वी हैव मेड अ ट्रेमेंडस रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अचीविंग द टारगेट ऑफ नियरली 15 लाख टीचर्स ज्वाइनिंग फॉर वन सिंगल कोर्स। ये कोर्स एक्चुअली, इसमें 10 कोर्सेस है, ये 4 सेमेस्टर में परीक्षा होगी, ये 1,080 लेक्चर्स है ओवर द पीरियड ऑफ 3 अक्टूबर, आज शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो 1.5 साल के, 1.5-2 साल की इस प्रक्रिया में हम पूरा करेंगे इसको, 1.5 साल की प्रक्रिया करेंगे। तो 1.5 साल में 4 सेमेस्टर्स किए हैं, 1,080 लेक्चर्स है, यानी हर टीचर को रोज 3 घंटे पढ़ना है, ये 3 लेक्चर्स उसको करना है। 12-12 दिन के 2 वर्कशॉप्स होंगे, जहां प्रत्यक्ष एक तहसील में कहां कहां जमा होंगे, जहां ज्यादा संख्या है 100-200 टीचर्स इकट्ठा होंगे, उनका प्रशिक्षण होगा, यानी सामने टीचर्स भी होंगे। और एक ऐप भी तैयार किया है एनआईओएस डीएलएड, ये ऐप में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेक्चर देखने के बाद, स्वयं अध्ययन है, मटेरियल 10 भाषा में है। ये 15 लाख कहाँ से आए, ये देखने लायक है, बिहार से 2.5 लाख टीचर्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, पैसे भरे हैं, बंगाल से 1,30,000 टीचर्स है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसाम, तीनों में 1 लाख से ज्यादा टीचर्स है। तो लगभग आधे टीचर्स इन 5 राज्यों से आते हैं, बाकी राज्यों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम थी,
और लेकिन सभी आए हैं अब एवरीवेयर, कहीं आंध्र वगैरह में 5-10 हजार ही थे तो उतने ही आए हैं, लेकिन जितने थे अपने शिक्षक सब सभी प्रदेशों से रजिस्टर हुए हैं। और इसलिए ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा और ये मिलेगा इनको डिप्लोमा, लेकिन अध्ययन करने के बाद, और जिसके पास ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है ऐसे लाखों लोग अब दूरदर्शन का डिश भी लिया है, तो आईएनबी भी मुझे आज धन्यवाद देगी ही, क्योंकि उनका भी आज डिश टीवी का ज्यादा और प्रचार हुआ है, तो वो लोगों ने लिया है लाखों की संख्या में। और ये दो लैंग्वेज में लेक्चर्स देने वाले जो है वो दो लैंग्वेज में है, लेकिन 10 लैंग्वेज में टेक्स्ट है और 10 लैंग्वेज में सबटाइटल भी है, तो ये सबको सुविधा रहेगी ऐसा है। इसके प्रात्यक्षिक जो है प्रैक्टिकल, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, उसका संचालन राज्य सरकार ही करेगी अपने स्टेट बोर्ड और जो उनके स्कूल्स हैं स्टेट के, तो स्टेट स्कूलों में इसका प्रयोजन होगा। और ये बहुत सबके सहमति से, सबके सहयोग से ये संभव हो रहा है, जैसे का बिल भी सर्वसहमति से पास हुआ था दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी, तो ये इसका विशेषता रहा। और ये जो अभी एक चैनल दिया था टीचर एजुकेशन को, क्योंकि इतना विस्तार होगा कल्पना नहीं थी, तो इसके 2 या 3 चैनल भी लगेंगे तो हम देंगे, तो वो बढ़ाएंगे ताकि जिस भाषा में उसको मटेरियल देखना है, एक्सेस करना है या लेक्चर सुनने हैं, तो उनको अपने अपने रीजनल भाषाओं में लेक्चर सुनने को मिलेंगे, तो 2-3 चैनल और भी लगेंगे ये 1.5 साल के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा, भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है, और इसका आज उद्घाटन हुआ है, क्योंकि पहले आज मेरे NIT के भी इंटरव्यू चल रहे हैं, NIT के डायरेक्टर्स के, तो इसलिए ये सब महानुभाव यहाँ थे, तो लेकिन मैंने बीच में इसलिए आया क्योंकि आज ही अगर ये पाठ्यक्रम हमने अपलोड